तो इस मैज़दा कॉलम की फर्स्ट पार्ट में वी आर गिवन दैट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज 2 एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इज 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ए इनवर्स. सो बाय प्रॉपर्टी है ना इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर मैट्रिसेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्स इनटू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वाई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जेड. इस प्रॉपर्टी से को सेपरेट कर लिया. नाउ अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ए इनवर्स, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, राइट. एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इज adjoint of B whole inverse by property. अच्छा यहां से 2 को बाहर निकालेंगे, order इसका 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना, by this property adjoint of lambda A is lambda raised to power n minus 1 adjoint of A. अब इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, इसकी वजह से हमको 2 दे ही रखी है. दिस इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी है ना बाय दिस प्रॉपर्टी. अब ये कितना हो गया 4 को जब पूरे डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर 3 है ना, तो 3 बार बाहर आएगा, फर्स्ट रो से भी, सेकेंड रो से भी, थर्ड रो से भी. दिस इज 4 इज टू पावर 3 इनटू और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होम एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स लिख सकते हैं. सो दिस इज 4 की पावर 3 अपॉन 2 एडजॉइंट ऑफ बी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बाय प्रॉपर्टी ये हो जाती है डिटरमिनेंट ऑफ बी एन माइनस वन, ऑर्डर इसका 3 दे रखा है. और अगेन इसको भी डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, दिस इज 64 अपॉन 2, इसकी वजह से देखिए अपन को 1, और इसको भी अगेन प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे. सो दिस इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1, इसकी वजह 2 है. दिस इज 32 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1, दिस इज 8. दैट मीन्स ए इज मैच विथ क्यू. इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड आई प्लस ए होल क्यूब इज आई प्लस के ए, देन वी हैव टू फाइंड के. सो वी कैन राइट आई प्लस ए होल क्यूब इक्वल टू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए. तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए. सो आई स्क्वायर इज आई, दिस इज ए, दिस इज अगेन ए, एंड ए स्क्वायर इज ऑल्सो गिवन टू बी ए. So this will become I plus 3A into I plus A. Again इसको multiply करते हैं इन दोनों brackets को. So we have I square plus I into A plus 3AI plus 3A square. So this is I, this is A, this is 3A and this is again A square equal to A, so 3A. So this is I plus 7A. That means इससे compare करेंगे k equal to 7. Column 1 में जो b है that is match with the b p part of column 2. So इसके match the column में c part में
we are given that A and B are two invertible matrices such that AB equal to C, determinant of A 2A, determinant of C minus 2A. So we have to find value of determinant of B. So AB equal to C given A, that means determinant of AB must be equal to determinant of C. And by property, we can separate it. Determinant of A into determinant of B must be equal to determinant of C. Determinant of A ki value kitni hai 2 aur determinant of C ki value kitni hai minus 2. So value of the determinant B is minus 2 upon 2, that is minus 1. In this question we are given that A is a scalar matrix of order 3 and entries are A11, A22, A33 equal to 2. That means A is 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So A is a scalar matrix और ये जो diagonal entries हैं ये 2, 2, 2 दे रखी हैं हमको. That means यदि हम determinant A की value निकालेंगे, that is 2 cube, that is 8. Now we are given that A into adjoint of A equal to K into I3. And we know the property that A into adjoint of A is determinant of A into IN. So we compare karenge, so K is nothing but determinant of A. Or determinant of A ki value find out kar rakhi 8. That means K is also equal to 8.